बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत यम्मी सा, थोड़ा सा डिफरेंट चिकन मसाले की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ ही मैं अपने रूम की क्लीनिंग भी दिखा रही हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा स्किप करके ना देखे, ज़बरदस्त रेसिपी के साथ चिकन की और साथ ही क्लीनिंग। चलिए मेरे साथ आप भी बनाना शुरू करें, मेरे साथ साथ रहिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लग रही है। सच में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बनी थी। सिंपल सी है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम्स बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन में बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इस तरह से हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लिया है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट और रेड चिल्ली, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। यहाँ पर मैंने रेड चिल्ली, जो कश्मीरी रेड चिल्ली होती है, वो ऐड किया है अच्छा कलर देने के लिए। साथ ही मैंने 100 ग्राम्स हम यहाँ पर कर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड करेंगे ऑयल। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स हम चिकन में डालेंगे, बोनलेस चिकन में। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है रेड फूड कलर। इस तरह से हम चिकन में सारे चीज़ें, सारी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके यहाँ पर मैंने कवर करके रख दिया था। देखिए अभी इसे हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन में ऑयल गरम किया है, उसमें हम सारे चिकन जो मैरिनेट करके रखा है वो सारे चिकन के पीसेस को हम फ्राई करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे जो मैरिनेट करके रखा था। इस बहुत ही मज़ेदार बने थे, ऐसा लग रहा था बस इसी तरह खा ले आगे की रेसिपी मुकम्मल ना। वही ऑयल में जो हमने अभी चिकन को फ्राई किया था, इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। ऑनियन को यहाँ पर मैंने फाइन सा पेस्ट बना लिया है। 3 ऑनियन हम लेंगे अच्छा ग्रेवी बनाने के लिए। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनती है, एकदम फाइन सी ग्रेवी हमें बनाना है चिकन की। इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसका सारा कच्चापन जाने तक। देखिए यहाँ पर मैंने 3 ऑनियन लिया था, तो उसी के साथ 3 टोमेटो लेंगे, इसे भी हम फाइन सा पेस्ट बनाकर डालेंगे। इस तरह से ये होता है कि हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, एकदम क्रीमी फॉर्म में। देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉट में मसाला जो चिकन का रखा हुआ था, जो थोड़ा सा लगा हुआ था पॉट पर, वो मैंने साफ़ करके इसमें डाला है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे टोमेटो ऑनियन को, और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर रेड चिल्ली और है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सॉल्ट ऐड करेंगे। इस तरह से हम चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त मसाला तैयार करेंगे, एक अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे।
क्योंकि हम तो चिकन को अच्छे से फ्राई किए थे, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। इस तरह से जब आप बनाते हो ना चिकन की ये वाली रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनती है। एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद हम फ्राई जो हमने करके रखे थे चिकन को, वो ऐड करेंगे। फ्राई चिकन देखिए, इस तरह से हम सारे मसाले में चिकन को मिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, कितना अच्छा लुक लग रहा है ना, कितना रेड कलर, बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। देखिए इस तरह से चिकन मसाला बनाएंगे, हम रेडी करेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि कसूरी मेथी से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसलिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है कसूरी मेथी। इस तरह से हम लास्ट में डालेंगे, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चिकन मसाले की ये ज़बरदस्त रेसिपी में। चलिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है नीचे ऊपर करते हुए, बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ गए। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी को लूज़ करने के लिए, और इसे मैं दम पे रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा, सालन भी, हमारी जो रेसिपी हमने बनाई है वो भी बहुत अच्छे से दम हो जाएगी। बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही थी पकते हुए। देखिए इस तरह से हम ग्रेवी बनाएंगे। चलिए अब हम इसे कवर करके रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, डिश आउट तो नहीं करूंगी, डायरेक्ट आपको ऐसे ही दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे क्लीनिंग के लिए भी बहुत देर हो रही है, मुझे रूम की क्लीनिंग करना है सब। जब हमारा पकवान हो जाता है, जब डिशेस बनकर रेडी रहते हैं, तो बड़ा सुकून लगता है। बाद में हम आराम से क्लीनिंग भी कर सकते हैं, थकन भी नहीं होती। क्लीनिंग करने के बाद कुकिंग करना बहुत टफ लगता है। क्लीनिंग करने के बाद कुकिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले ही रेडी कर से लेते मैंने हैं। कुकिंग का काम फिनिश किया, चिकन मसाला ज़बरदस्त बनाकर रेडी। देखिए काम वालों को बहुत जल्दी होती है, हमारे आने तक भी जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया है। और मैं जैसे आई फिर मैं हटा हटा कर लेने लगा रही हूँ सारी क्लीनिंग, क्योंकि डीप क्लीनिंग में ये होता है कि हम अंदर अंदर से साफ़ करवाते हैं और जो क्लीनिंग होती है वो सामने से हो जाती है डेली। देखिए इस तरह से ना बहुत ही सुकून दिखता है जब अच्छी सी क्लीनिंग हो जाए और एकदम से साफ़ सुथरा, एकदम देखने में भी अच्छा लगे। इस तरह से मैं करवाती हूँ डीप क्लीनिंग। मंथ में 2 बार तो ज़रूर करवाना चाहिए, और कारपेट पे तो बहुत ही डस्ट आ जाती है। इस तरह से हमें क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है करवाना, और हम भी इतना नहीं कर सकते जब तक हेल्पर की मदद ना लो। देखिए इस तरह से क्लीनिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत ही साफ़ लगता है। और यहाँ पर मेरी नमाज़ की जगह, यहाँ पर मैं अक्सर पढ़ती हूँ, इसलिए इसे मैं ज़्यादा ही क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ नमाज़ होती है, जहाँ इबादत होती है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। देखिए मेरा इस तरह से मेरे रूम की क्लीनिंग चालू है, और मैं बताऊँगी जब मैंने इसे कैसे सेट किया। ये तो पहले की 1 वीक की वीडियो है, और अभी जो मैंने सेटिंग की है वो आपको टूर करवाऊंगी, मेरे बेडरूम की और मेरे घर की, सारे रूम्स की। अगर आप लोग होम टूर देखना पसंद करते हो तो सारी चीज़ें इधर उधर पड़े हुए हैं, और सारी मैं एक जगह इकट्ठी करूंगी, सारी चीज़ों की अच्छे से सेटिंग करूंगी। जस्ट अभी मैं क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, और जब मैंने इसके बाद जो मैंने सेटिंग की है, सेटिंग चेंज की है, वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो आप क्लीनिंग की ही वीडियो से इंजॉय करिए। देखिए मेरे रूम में भी टीवी है, ये है 50 इंचेस का टीवी, और बाहर जो मेरे हॉल में है वो 75 इंचेस की टीवी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे देखने वाले ने मुझसे पूछा था कि आपकी टीवी का साइज़ क्या है। जब मैं लास्ट बिरयानी वाली रेसिपी शेयर की थी, प्रिपरेशन वाली, उसमें मैंने थोड़े से सॉन्ग्स भी दिखाई थी, तो तब बहुत सारे ने पूछा था कि आपकी टीवी का साइज़ क्या है। इसीलिए बता रही हूँ, ये मेरे रूम में है 50 इंचेस की, और हॉल में है 75 इंचेस की टीवी। देखिए यहाँ पर मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखती हूँ अपने रूम में बैठकर बहुत ही आराम से, और जिसको मुझे वॉचिंग देना होता है मैं वॉचिंग भी देती हूँ साथ साथ। सारे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उन सब की मैं
यूट्यूब पे वॉच करती हूँ, मेरे रूम से ही सारे फ्रेंड्स को वॉचिंग देती हूँ, कंप्लीटली इस तरह से सपोर्ट करती हूँ। बाहर तो फुल टीवी बिजी रहती है, वहाँ पर मेरे ससुर मेरी फैमिली वहाँ देखते हैं टीवी। सारे घर की क्लीनिंग तो अभी नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरह से मैं अपने रूम की ही दिखाऊंगी। देखिए, ग्रीन कलर की बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी वाली बहुत ही ब्यूटीफुल बेडशीट है ये। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमने क्लीनिंग करते हुए यहाँ पर बालकनी में आ गए। बालकनी की अच्छे से क्लीनिंग होगी, उसके बाद मैं आपको रूम दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से काम पूरा कंप्लीट हो गया। क्लीनिंग एकदम से बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छी क्लीनिंग हो गई। मैं इंशाल्लाह जो मैंने न्यू सेटिंग की है वो उसकी भी आपको मैंने टूर दूंगी। देखिए, वो देख रहा है कि बाजी मैंने अच्छे से किया या नहीं किया। इस तरह से मैंने क्लीनिंग की करवाई है, की नहीं है, करवाई है। और देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह मैं न्यू सेटिंग के साथ न्यू वीडियो भी शेयर करूंगी। अगर आप लोग सब देखना पसंद करते हो तो ये देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह।